हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज़ वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोजरेला चीज़, वो भी सिर्फ दो चीज़ों से बनती है। और इसकी पहचान एक परफेक्ट मोजरेला चीज़ की उसकी स्टेच या पुल से होती है। सो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर काऊ मिल्क लिया है 2 लीटर। यह एकदम फ्रेश ताज़ा दूध है, आप बफेलो मिल्क भी ले सकते हैं, आप पैकेट के दूध से भी बना सकते हैं। दूध को गैस पर रखेंगे और इसको बस थोड़ा सा गर्म होने देंगे, बस फिंगर टिप करके देखेंगे। ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस इतना हीट हो फिंगर बर्दाश्त कर सके। जैसे कि हमें दही जमाने के समय दूध चाहिए होता है, वैसा ही चाहिए। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे तो आपकी भी एकदम परफेक्ट मोजरेला चीज़ अपने हाथों से अपने घर पर खुद बना सकते हैं। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और हम विनेगर, वाइट विनेगर जो होता है सिरका, उसको हम डालेंगे और एक हाथों से हम चमचे को चलाते रहेंगे, एक हाथों से हम डालते रहेंगे और धीरे धीरे एक ही तरफ से हमें बस चमचे को चलाना है। और देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा दूध कर्डल हो गया है, धीरे धीरे फटना शुरू हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया तरीके से हमारा मोजरेला चीज़ तैयार हो रहा है। देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको पुल दिख रहा है ना, ये एक अच्छे मोजरेला चीज़ की निशानी है। अब दूसरा स्टेप पूरा हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और इतने दूध में हमें 5-6 चम्मच विनेगर लगा है, अब इसको हम ढक्कन लगा कर छोड़ देते हैं 2-3 मिनट के लिए। अब ढक्कन हटाएंगे और स्ट्रेनर से निकाल कर हम पतले वाले स्ट्रेनर पर रख कर चम्मच से ही सारे लिक्विड को हम बाहर निकाल लेंगे। जितना हो सके जो लिक्विड बर्तन में आप देख रहे हैं उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम आटे में गूंथ लेंगे। इसे पराठा, नान, कुलचा, मठरी कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। अब हम दोनों हाथों से सारे लिक्विड को निचोड़ निचोड़ कर निकाल लेंगे। इसके सारे लिक्विड को हम बहुत ही अच्छे से निकालेंगे, जिससे कि क्या होगा ना कि हमारे फ्रिज में ये बहुत दिन तक सुरक्षित रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। जब बहुत अच्छे तरीके से इसका सारा लिक्विड निकल जाए, उसके बाद हम फिर उसी पानी में जिसमें हमने दूध को कर्डल किया था, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिंगर को टिप करके देखेंगे, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद डालेंगे हम चीज़ को और बस 5 से 6 सेकंड के लिए उसमें छोड़ेंगे, फिर उसको हम निकाल लेंगे और सारे लिक्विड को हम फिर से निकालेंगे निचोड़ निचोड़ कर। आप तब तक करेंगे जब तक कि आपके चीज़ थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरह से हमने 6 से 7 बार ऐसे ही किया है। अब इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे और एक एकदम ठंडे पानी में इसको हम डाल देंगे और इसको भी हम 5 से 6 सेकंड के लिए बस छोड़ेंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे और फिर से सारा पानी स्क्वीज करेंगे अच्छी तरह से और इसको हम क्लिंग रैप से टाइटली रैप करेंगे। बहुत टाइटली रैप करना हमें। देखिए इस तरह से, अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, फ्रीज़र में डाल देंगे 3 से 4 घंटे या फिर ओवरनाइट आप रख सकते हैं। ये फ्रेंड्स, 4 घंटे बाद हमने इसको चेक किया। देखिए, आपके सामने ओपन कर रही हूँ बॉक्स को। ये देखिए, एकदम परफेक्ट सा हमारा मोजरेला चीज़ बन चुका है। इसको आपको हम रैपर निकाल कर दिखा देती हूँ। वाओ, एकदम परफेक्ट मोजरेला चीज़ बना है, बिल्कुल बाजार जैसा। देखिए इसमें कितनी साइन है, ये एक अच्छे परफेक्ट मोजरेला चीज़ की निशानी है। ये बहुत दिन तक स्टोर रहेगा फ्रीजर में। अब इसको आपको ग्राइंड करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार हमारा चीज़ ग्राइंड होकर निकला है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा चीज़ को बेक करके दिखाती हूँ। ब्रेड पिज्जा की रेसिपी हमारे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, ब्रेड पर हमने थोड़ा सा बटर लगाया और पिज्जा सॉस लगाएं और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे मोजरेला चीज। बस अब तवे पर हम थोड़ा सा बटर लगाए हैं और इसको हम सेक लेते हैं, ढक्कन लगा देंगे।
अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम चीज़ को स्लाइस करके दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से कट रहा है, बहुत परफेक्ट हुआ है। फ्रेंड देखें आप ब्रेड में से कितने बढ़िया तरीके से चीज़ मेल्ट हो गया है, और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है, इसमें कितना खिंचाव है, एकदम लग रही है ना मार्केट वाली। फ्रेंड्स आप बहुत आसानी से मेरे वीडियो को देखकर आप घर पर ही बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ है तो बन नहीं सकता है, आप कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करिए, आपकी भी बहुत परफेक्ट मज़ेदार चीज़ बनेगी। सो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तुरंत कर लीजिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।